अभी वॉइस आ रही है या फिर स्टिल आप लोग को भी वॉइस जो है वो अभी तक नहीं जा रही है? यस मैम, क्लियर नाउ। सो थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। चलिए बढ़ते अपने सेशन की तरफ फटाफट तरीके से। क्या हाल चाल, कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? दिस इज वो आपका टाइम थी 3:30 बजे मास्टर क्लास की, कि रोज 3:30 बजे आप लोग की मास्टर क्लास होती है, जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि मैम हमें 3:30 बजे आना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मास्टर क्लास जो होती है आप सभी के लिए फ्री होती है। भैया ये कौन से मोड पे चला गया है, कम हो जा भाई। चलो मैम बढ़िया है, आप लोग बताइए क्या हाल चाल है आप लोग के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते अपने सेशन को। आज का कोट क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने और जीतने का मजा ही कुछ और है। अब कई लोगों को लगेगा कि मैम खोकर पाना ही क्यों, मतलब खोना ही क्यों है फर्स्ट पॉइंट पे आके। देखो होता क्या है ना, हम स्थितियों के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब जो चीज़ हो गया है हम उसके ऊपर बैठ के रो नहीं सकते हैं बार 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 कि वो चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न था उस चीज़ के होने के पीछे। हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते थे, हमने अपने साइड से ना 200% दिया था कि हम उस चीज़ को ना खोएं और हम पीछे ना हटें। सबसे बड़ी बात है कि हम हारे ना। जब हमने अपना 100% दे दिया उसके बावजूद अगर हम हार जाते हैं कहीं पे, कुछ खो देते हैं, और जब दोबारा तुम उस चीज़ को पाते हो ना तो खुशी कुछ और होती है। इसका मतलब ये होता है, इस पूरी चीज़ का मतलब कि गिव अप नहीं करना। और जब आप गिव अप नहीं करते हो कि देखो हारना हमारे बस में नहीं है, वो क्या होता है कि वो अगर ऑटोमेटिकली अगर हो गया है तो उस मोमेंट में बस आपको गिव अप नहीं करना है। वही एक स्टेज होता है जो आप लोग को बनाता है, फेलियर बनाता है, और आपको ये तय करता है कि आप सक्सेस करोगे या नहीं करोगे। मेरी एक बात हमेशा तुम लोग याद रखना, अभी आप लोग स्टूडेंट हो, कल को आप लोग जॉब करोगे, लाइफ में अभी बहुत कुछ आप लोग को आगे बढ़ना है और बहुत कुछ आप लोग को आगे करना है। मेरी एक बात का ध्यान हमेशा रखना, अगर तुम ज़िंदगी में कुछ कर रहे होगे, अगर वाकई तुम ज़िंदगी में कुछ कर रहे होगे, लोगों को तुमसे बहुत तकलीफ़ होगी और सब तुम्हारे पीछे ही पड़ेंगे। तब तुम ये बोलोगे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि तुम उन बाकियों से उस कमरे में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो, सबसे ज़्यादा बेटर हो। तो जो बेहतरीन होता है ना, हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। बेहतरीन को कभी और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि जो सबसे नीचे हैं उनको बेहतर बनाया जा सकता है। तो चूंकि अगर तुम बेहतरीन रहोगे तो तुम्हें ये दर्शाया जाएगा कि यू आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो उस टाइम पर अपना हौसला मत हारना, आगे बढ़ो। आइए आते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। इससे पहले गाइस एक बार ज़रा जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा कि आप लोग को बोर्ड पे सारी चीज़ें क्लियर है, मतलब टेक्स्ट वगैरह आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। अरे ये क्या हो गया यार, यही सारी चीज़ें ना। ओके ओके गाइस, यस मैम विजिबल। आइए क्या बोल रहा है। भारत का सबसे पहला जो सैटेलाइट था, भारत का क्या पूछ रहे हैं कि भारत का जो सबसे पहला डिफेंस सैटेलाइट था हमारा, ये सैटेलाइट आपका कौन सा सैटेलाइट था? अब जल्दी से बता दो फटाफट तरीके से। यार ये बाहर की आवाज़ है ना, आनी कभी कम होती नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। ओके मैम, G-SAT-7 और G-SAT-6, ये दो तीन जो है मेरे पास अभी जवाब आ रहे हैं कि मैम G-SAT-7 है, मैम G-SAT-6 है। 7 एक का 4 भी आ चुका है, 4 तो लगता है मैंने ऑप्शन में दिया भी नहीं है, स्टिल आप लोगों ने, जो लोगों ने 4 जवाब दिया है, आप लोग बहुत ज़्यादा ही महान है। मैं बात कर रही हूँ कब की, अगस्त की बात कर रही हूँ। अगर मैं 2013 लिखूँ, हमारा सबसे पहला भारत का डिफेंस सेटेलाइट, मैंने क्यों बोला क्यों, इससे पहले क्या हमारे पास सेटेलाइट नहीं थे? मैंने कहा कि इस सेटेलाइट को डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया है, डेवलप्ड बाई इसरो। अब मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ, इसका ना आगे का नेप टूट गया तो ये पूरा बोर्ड जो है वो खरोच जाएगा अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो। ठीक है, डेवलप्ड बाई मैम इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बेसिकली अब जैसे कहते हैं ना मैम ये किसको आया, जैसे हमने कहा सार्थक आया है, तो किसके लिए आया है? कोस्टल के लिए आया है, नेवी के लिए आया है, आर्मी के लिए आया है, किसके लिए आया है? दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया है ना, बताओ किसके लिए आया होगा।
गाइस शेयर द ग्लास, एक सेकेंड, ये स्क्रीन थोड़ा येलो ही शो रखा है क्या? चलो ठीक है छोड़ो, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। अब मैम किसके लिए आए ये बोला गया तो आपने क्या बोला? इंडियन नेवी, किसके बारे में कहा? इंडियन नेवी। तो ये हो गया G-SAT-7, अगस्त 2013 में आया आपका, डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, और किसके द्वारा मैम? तो इंडियन नेवी के लिए लाया गया। ये बात समझ में आ गई, हमारा पहला रक्षा उपग्रह क्यों बोला मैंने। चलिए आगे देखिएगा, इनमें से एक ऑड निकालना है, बचपन में हम लोग करते थे ना रैट मैट, हाँ एग्जैक्टली, इसमें से एक ऑड निकालना है। अब मैं एक छोटा सा आप लोगों को हिंट देती हूँ, एक जो है प्लांटेशन क्रॉप, अच्छा जरा बताना प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, आप लोगों को यही चीज़ मैंने कहा था कि प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है। चलिए जल्दी से, और इसमें से क्या हो जाएगा? मैं कह रही हूँ वीट, मेज, कॉफ़ी, रबर, क्या बोलते हैं कॉटन, किसके बारे में कहा? कॉटन। ये सारे क्या है? प्लांटेशन है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? राइस को छोड़ दे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बाकी सारा का सारा मैम प्लांटेशन क्रॉप हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक? क्लियर हुआ मुद्दा? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा विच आई यूज टू प्रोड्यूस इन ओनली आफ्टर अ प्रोसेसिंग, ओके मैम आप येलो कैसे दिख रही है? तुम पूछ रहे थे नारायकों से कि येलो दिख रहा है क्या? तो इन लोगों से पूछ रहे तो कह रहे नहीं मैम सही है, नहीं मैम ये है। अच्छा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो है भारतीय रेलवे के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया, किसके द्वारा? आज तो मैम रिजर्वेशन करना होता है, यार एक बात बताओ रिजर्वेशन मिलता कभी क्यों नहीं है? बार बार तत्काल करना पड़ता है, वो भी तत्काल में प्राइसेस ऐसे मांगते हैं क्योंकि डायनेमिक फेयर लग जाता तत्काल में, तो डायनेमिक फेयर लगते ही ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो जाते हैं? प्राइसेस आपके बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं। अच्छा खैर अब यहाँ पे नोटिस करो चीज़ों को, ये आपके क्रिस के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा मैम लाया गया? ये क्रिस से आप लोग क्या करते हैं अपनी पैसेंजर बुकिंग जो है आप लोग ये करते हैं। अच्छा क्या सिर्फ काम पैसेंजर बुकिंग का होता है? नहीं, फ्राइट से लेके पैकेजिंग से लेके पहुंचाने से लेके ईच एंड एवरी थिंग, हर किसी चीज़ में। अगर मैंने आपको बोला कि इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप क्या बताइएगा कि मैम दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे जब पूछेगा कि बताइए इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, क्षेत्रीय ऑफिस, इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, तो आप क्या बताइएगा? दिल्ली, अरे अरे नहीं मैम कोलकाता है ना मैम, कोलकाता जो है ये तो पूरब संभाल लेगा, ठीक है, सिकंदराबाद जो है, सिकंदराबाद जो है ये तुम्हारा बीच का मिडिल संभाल लेगा, चेन्नई जो है ये क्या संभाल लेगा? तुम्हारा साउथ संभाल लेगा। तो नॉर्थ कौन संभालेगा? मुंबई। देन हु विल हैंडल द नॉर्थ पार्ट, जल्दी बताइएगा मैम। हावड़ा, वेस्ट बंगाल, अच्छा ओके, और जल्दी बताइए। अरे हेडक्वार्टर है तो दिल्ली में है ना, लेकिन और कौन सा बचा? मुंबई। और कौन सा बचा? मुंबई।
राइट? यस, कोई डाउट यहां तक? यार ये बोर्ड ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये बोर्ड पे ऐसा क्यों हो रहा है? और हो गया तुम्हारा लास्ट है मुंबई, ठीक है? चलो गाइस, तुम लोग ना मेरी एक थोड़ी सी छोटी सी मदद करना। यार इसका कहाँ से कम होता है, इसका ब्राइटनेस शायद मैंने सेटल नहीं किया है बोर्ड की ब्राइटनेस को, ये कहाँ से कम होता है? अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, एंड्रॉइड मोड, थोड़ा सा तुम लोग की मदद लगेगी मुझे यहाँ पे। एक बार बताना टेक्स्ट क्लियर है कि नहीं है, जरा बताइएगा एक बार जल्दी से। आई अगले सवाल की तरफ। आर्टिकल 29 में संविधान में किस प्रकार का राइट दिया गया है? अच्छा इसमें मैं एक हिंट दे देती हूँ कि रिलीजियस राइट दिया गया है। क्या दिया गया है? रिलीजियस राइट दिया गया है। अब बताओ जरा जल्दी से बताना अभी क्लियर है या नहीं है, या फिर पहले जैसा धुंधला धुंधला क्यों आ रही है ये? वाइज कमिंग धुंधल, बाबा रे बाबा ये जगह है। गाइस बस कंफर्मेशन दीजिएगा आप लोग कि अभी आप लोगों को क्लियर सच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं बेटा काम नहीं चलाना है ना, यहाँ लाइटिंग अलग है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पर दिक्कत होती है थोड़ी सी। ध्यान देना आर्टिकल 29 जो है किसके बारे में बात कर रहा है, कह रहा है रिलीजियस ग्राउंड में कि हम क्या है प्रोहिबिट करेंगे टैक्सेस रिलीजियस ग्राउंड पे, है ना? क्या बोल रहा है मैम कि प्रोहिबिट करेंगे, है ना, रिलीजियस ग्राउंड पे? यस मैम यस मैम। माइनॉरिटीज़ के बारे में कह रहा है, अब माइनॉरिटीज़ आपके देश में कैसे डिसाइड होते हैं? तुम बोलोगे मैम पॉपुलेशन से डिसाइड होते हैं, तो वो पॉपुलेशन क्या है? आप कैसे आप जाति का नाम लेते हो, आप धर्म का नाम लेते हो और फिर जाके कहते हो कि हाँ मैम इनकी पॉपुलेशन जो है कम है, इस धर्म की पॉपुलेशन पर्टिकुलरली हमारे यहाँ, इसी वजह से हम इन्हें माइनॉरिटीज़ में रखते हैं। तो ये जनरली आपको क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को। अब इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी क्या होती है मैम? चाहे इनका कल्चर हो गया, चाहे इनका कल्चर हो गया, चाहे इनकी स्क्रिप्ट हो गई, है ना, किसी भी चीज़ को, आपकी शैली हो गई, आपका स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो कही गई है। अच्छा अच्छा किस आर्टिकल में बोला गया है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं, है ना, मैं रिलीजियस ग्राउंड पे ही बोल रही हूँ कि अगर रिलीजियस ग्राउंड पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपना शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं, तो ये बात जो कही गई है वो किस आर्टिकल में बोली गई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से सारे लोग। लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, डोंट फॉरगेट दिस। मुझे लगता है सिर्फ ये पार्ट जो है ना ये आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसमें अगर मैं इसको पार्ट को कलरफुल कर दूंगी ना तो ये पार्ट आप लोग को क्लियर दिखेगा, ये वाइट और वाइट लाइट की वजह से दिक्कत है। तुम लोग तो कुछ बोलते नहीं हो, मैं ही सबसे ज़्यादा बोल बोल के इनसिक्योर होते रहती हूँ। अगला ध्यान दीजिएगा, अरे फेसबुक भैया कब शुरू हुआ था? मार्क जुकरबर्ग भाई साहब को तो आप सभी जानते हैं, जनरली जब सिक्योरिटी के मामले में इनको बुलाया गया था और बुला के पूछताछ किया गया था कि क्या सच में हम सबकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और ये कितनी डेंजरस चीज़ है कि हमारी सारी बातें हमारी सारी चीज़ें अगर कोई और सुन रहा है कोई और देख रहा है तो कितना ज़्यादा डेंजरस है। 2004 में इसकी शुरुआत करी गई थी।
हर एक चीज जो भी बड़ी चीज की शुरुआत करी गई है वो बड़ी छोटे स्तर पे करी गई है, और तुम्हें लगता है कि मैम हमारे पास तो विरासत का पैसा नहीं है तो हम पैसा कैसे बना पाएंगे। हर किसी का एक जीरो पॉइंट रहा था, हर किसी ने जब भी अपना स्टार्ट किया है ना कोई तो था उस पूरे वंश में जिसने जीरो से स्टार्ट किया था। आज अगर किसी के पास बहुत पैसा है ना तो उसके घर में भी कोई ना कोई पहला व्यक्ति था जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और वो जीरो लेवल से उसने स्टार्ट किया था, तो तुम क्यों नहीं आओ भैया। 2004 में ये आपका इन्वेंट हुआ और बहुत देखो कि क्या है, फेसबुक हमेशा ट्रेंड के साथ चलता है। इसने देखा लोग व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, एक्वायर्ड व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, एक्वायर कर लो सीधे सीधे, है ना, ध्यान दीजिएगा। अरे यार मैम बताओ ओजोन केमिकल फार्मूला क्या है, O2 है कि O3 है कि O4 है, जल्दी बता दो इसको, तो मैं देखना चाहूँगी किसका जवाब गलत होता है, इसका तो मैं देखना चाहूँगी किसका किसका जवाब गलत होगा। मैम O3 होगा, मैम O2 होगा, अरे बाबा अरे बाबा, उफ उफ, ऑक्सीजन ही ले लो एकदम, ओजोन की तो जरूरत ही नहीं है। ब्लू मॉलिक्यूल्स, हाँ वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें लिखा है ना O2 लिखा होता है, ध्यान देना। कितने लीटर ब्लड जो है वो एक एडल्ट के बॉडी में कैरी होता है, मैंने कहा कि तुम्हारे शरीर का जितना वजन है, तुम्हारे शरीर का जितना वजन है उस बॉडी पर वेट के हिसाब से तुम लगा लोगे 45 to 50 ml है। हाँ तो मैम टोटल मिला के अगर हम ले सर लेते हैं तो 5-6 लीटर तो ब्लड होगा हमारी बॉडी में, एक एडल्ट की बॉडी में, राइट। नहीं अनले सरंडल को तुम्हारा खून ना पिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, अधिकतर सच में लोग खून जलाते हैं अपनी बातों से ना, कुछ लोग जेन्युइन है जो खून जलाते हैं अपनी बातों से। यस मैम 5 5 5 लीटर, यस 4.5 लीटर अप्रोक्सीमेटली इन अ फीमेल टू। आगे देखिएगा, फादर ऑफ वीडियो गेम्स किसको बोल सकते हो आप बताओ। मैं दो ऑप्शन देती हूँ, अरे यार क्या ऑप्शन ऑप्शन खेलना है, डायरेक्ट बताती हूँ। रेफल एच बेयर जो है ये आपके क्या रहे हैं, फादर ऑफ वीडियो गेम्स आप इनको बोलते हो। किसको पता था कि मैम गेमर लोग जो है ये करोड़ों करोड़ रुपया कमाने लगेंगे कभी, है ना। यस 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 एंड डू रिमेंबर ही वॉज अमेरिकन, अगर पूछ लिया कि कौन, अराउंड 20th century में, मैं ये भी लिख देती हूँ 20वीं शताब्दी के दौरान पर ये इन्वेंशन हुआ और ये व्यक्ति कौन है, अमेरिकन। नेक्स्ट वन, किस प्रकार के लकड़ी का उपयोग किया जाता है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए। क्रिकेट तो सबने देखा है, क्रिकेट बैट का क्रेज जो है ये आप लोगों को बहुत तगड़ा हुआ करता था बचपन में, है ना, और अगर सहवाग की साइन की हुई अगर मिल जाए तब तो फिर मतलब उससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। विलो क्या है मैम, विलो जो होता है देखो सौगान पता है, बांस पता है, आपको शीशम पता है आप लोगों को, आप सभी इन पेड़ से वाकिफ हैं इसलिए आपको लग रहा होता है। अब विलो जो होता है सबसे बेहतरीन करके इसको क्या किया था, भारी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का क्या देखा जाता है मद्देनज़र रख के। अगला, अहमद शाह अब्दाली ने 3rd Battle of Panipat किसके साथ लड़ाई करी थी। अब ये अब्दाली वही दुर्रानी वाला शासक तो नहीं है, अब्दाली ये अब्दाली वही दुर्रानी शासक वाला तो नहीं है, बताइएगा जल्दी से। मैम ये हुआ मराठास के साथ, किसके साथ हुआ मैम, मराठास के साथ। एक बार मैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखूं क्या गिराया मैंने, मैम मराठा। अरे तुम लोगों ने सभी सही जवाब दे दिया, क्या बात कर रहे हो। 1761 याद है तुम्हें, शुजाउद्दौला, कभी भी कन्फ्यूज मत होना सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में, कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं ये बात बार बार कहती हूँ। अगला,
किस डेट पे भारत का पार्टीशन जो है ये अनाउंस हुआ था? ध्यान से सुनो, जैसे आज किसी को कुछ भी अगर अनाउंसमेंट करना होता है तो क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, आप सारे लोग जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। वैसे ही माउंट बैटन जो है, जब ये भारत आता है तो माउंट बैटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और क्या बोलता है कि भारत जो है इसका पार्टीशन हो गया। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, 1947, 15 अगस्त को हम लोग क्या मना रहे हैं मैम, यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते हैं। तो 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या 15 अगस्त को होगा? एक छोटा सा सिंपल सा तर्क लगाओ कि पाकिस्तान को हमसे पहले आज़ाद होना था, हमसे आगे रहने के लिए उसने अपना आज़ादी दिवस 14 तारीख को मना लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्टिल इतना पीछे है कि हर जगह जगह भारत भारत का परचम लेके उसको बाहर निकलना पड़ता है, भारत का झंडा दिखा के बाहर निकलना पड़ता है। क्या फ़ायदा हुआ पहले आज़ादी लेके? जल्दी, अभी जस्ट बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया था पार्टीशन। मैम 3 जून। डन, क्लियर, ये बात समझ में आ गई? देखो, एक प्यारे से बच्चा है, उसने कहा मैम मेकअप ज़्यादा लगाती है, थोड़ा कम लगाया करो, आप वैसे भी सुंदर हो। आपको अगर लगता है कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूँगी, वैसे आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं लूँगी। बेटा आप वैसे भी बहुत अच्छे दिखते हो, तो पत्ते का कपड़ा बना के पहनिए ना, क्यों आप कॉटन का कपड़ा बना के पहनते हैं, क्यों बाकी चीज़ों की ज़रूरत है आपको, क्यों जानवरों को मार मार के लेदर का जैकेट पहनते हैं ठंड में, वैसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब तुम बोलोगे मैम मार्केट में हमारे हम इंसानों के लिए तो उपलब्ध करवाए गए हैं कपड़े, चाहे कॉटन के कपड़े हो जाएँ, चाहे वुल के कपड़े हो जाएँ, है ना, चाहे लेदर के कपड़े हो जाएँ, तो हमारे लिए उपलब्ध कराए गए हैं, तो पैसे हैं तो हम तो यूज़ करेंगे ही मैडम, अपने आप को और अच्छा देखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस अपने आप को और एनहांस करने के लिए, फॉर अपने लिए, खुद के लिए। पत्ते क्यों नहीं रेफर करते, पत्ता पहनो ना, पत्ता ज़्यादा अच्छा है, सात्विक भोजन खाओ, पत्ता पहनो, लेदर का त्याग, आज से पर्स जूता नहीं पहनोगे, आज से खड़ाऊ पहनोगे, पाँव के लिए खड़ाऊ इतना अच्छा होता है, और वैसे भी तुम्हारे पाँव इतने खूबसूरत है, तुम्हारे पाँव यार, कम ऑन, उसको जूते में डाल के ख़राब मत करो, खड़ाऊ पहनो, और वाकई खड़ाऊ बहुत अच्छा होता है पहनने के लिए, पाँव का एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होता है खड़ाऊ पहनने से, ऐसी वैसी बातें नहीं है। आ जाओ पढ़ते हैं, स्टेनलेस स्टील जो है सबसे पहली बार जब डेवलप किया गया, मतलब मेजॉरिटी लगा लो कि इन्होंने 70-80% तक स्टेनलेस स्टील जो है उसमें हाँ डेवलप्ड था। गर्दा उड़ा दिया मैम ने, है ना नेपाली स्टेटस, वही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं। अरे आई नो, तुम लोग ऐसे थोड़े ना मैम के फैन हो। चलिए जवाब दीजिए। डन डन डन, यस। 1913 की बात है, सुनो कब की बात है, 1913 की बात है। माना जाता है कि हैरी ब्रेले, जो भी तुम्हें इसका नाम लेना है बताना है आप कह सकते हैं, इनके द्वारा स्टेनलेस स्टील जो है ये आपका इन्वेंट किया गया था। ऑल्दो इससे पहले बहुत इफेक्ट किया गया था, तब जाके कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती कि एक बार में हमने कुछ सोचा ट्राई करा और वो बस हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। सीरोसिस रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मेरी बातों को समझो, तुम्हारी बॉडी में अगर कुछ खराब हो रहा है, बॉडी में क्या होता है, हमारा इंसानी शरीर है, बनता है बिगड़ता है, तुमने क्या सुना है क्या पढ़ा है कि मैम अगर टिश्यूज़ अगर ख़त्म हो रहे हैं, टिश्यूज़ बन रहे हैं, हमें मसल दोबारा, अगर मसल हमें क्या करते हैं, हम अपने को बना रहे होते हैं क्लियर तरीके से, लेकिन अगर तुम समझो कि रिपेयर ही नहीं हो रहा, सेल जो है ये रिपेयर ही नहीं हो रहा, सेल जो है ये आपका क्या हो रहा है, खराब ही हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, मतलब सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जिसको सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, वो लिवर होता है आपका सबसे पहले प्रभावित, और लिवर प्रभावित हुआ तो बस गया भैया काम से। मैम लिवर, अरे नहीं रे किडनी नहीं, फप 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 फप।
स्कार टिश्यूज जो होते हैं ये बेसिकली नॉर्मल टिश्यूज को यानी कि हेल्दी टिश्यूज को रिप्लेस करते हैं, और ओवर द टाइम ऐसा होते होते क्या हो जाता है, एक मोमेंट पे आके आपका लिवर जो है ये काम करना, मतलब काम तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ इफेक्ट बहुत तगड़ा करता है इसको। 1947 में पहला यूनियन बजट जो है ये किसने पेश किया था, 1959 से लेके 1960 से लेके 1962, 62 से लेके 1963, इस मतलब 62-63, सॉरी मेरी हिंदी काउंटिंग कहीं पे गलत हुई हो तो पार्डन प्लीज़, ओके ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टाइम पीरियड था इस दौरान पे किसने पेश करा था, इतना बताओ मुझे, मैं इसका जवाब बताती हूँ। इसको पेश करने वाले व्यक्ति थे आर के शनमुखम छेती साहब जो थे इन्होंने पेश किया था। लेकिन ये 1959 से लेके 60 से लेके 61 62 63 में और 63 के लिए, मतलब वही उस पूरे वार्षिक कार्यकाल के लिए किसने पेश किया था, जल्दी से। हंसो मत, किडनी कौन बोल रहा है, मारेंगे कंटा आप कान के नीचे खींच के, है नहीं तो मेरा सबके आंसर पर ध्यान होता है, तो कभी किसी का मजाक मत उड़ाना वरना उससे पहले मैं उड़ा दूंगी तुम्हारा मजाक। अरे छेती है ना, शेठी हो सकता है, ओके मोरारजी देसाई, आई शाबाश गाइस, क्या बात है, किसने पेश किया मैम इससे पहले, मैम आपकी मोरारजी। फिर बाद में इमरजेंसी आई तो फिर तो पीएम ही बन जाएंगे। अगला, सबसे पहला एसएमएस कब भेजा गया था, 1992 का वक्त था वो, और 1992 में सबसे पहला एसएमएस भेजा गया किस नेटवर्क से भेजा गया, वो तुमको याद है, वो एक ऐड आता है इसे बहुत क्यूट सा डॉग होता है जो डॉग दौड़ते 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 भागता है, पता है एयरटेल की बहुत बड़ी खासियत है, मेरे भाई के पास ना दो नंबर है, उसका एयरटेल का है वो एक ऑफिस पर्पस को लिए पर्सनल पर्पस के लिए, एक उसका एयरटेल का है उसका जियो का नंबर है, तो उसका एयरटेल पे हमेशा कॉल ड्रॉप होता है, कभी बातचीत नहीं होती है उसके फ़ोन के ऊपर। तो मैं उसको बोला कि चेंज कर, पोर्ट कर ले, उसने कहा बहन साल भर का रिचार्ज करवा रखा है, ठीक है उसकी वो बनिया वाली हालत है कि तो साल भर का रिचार्ज, खाना खाते खाते अगर उसका कोई ऑफिस काम आ गया ना, कि उसका अपना बिजनेस है तो कैसे तो काम आ गया, वो धड़ दौड़ जाएगा। मैंने कहा तो रुक जा, कहते नहीं नहीं अच्छा सुनो ध्यान से मेरी बातों को, क्योंकि उसको अपने बिजनेस से बैठना होता है, तो मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि भाई तो एक काम ये कर, मैं फ़ोन चेंज कर, तो कहता है कि उसका बस जिस शहर में वो रहता है उस शहर में नेटवर्क नहीं आएगा, सपोज़ ही इज़ इन दिल्ली तो दिल्ली में नेटवर्क नहीं आएगा, सपोज़ ही इज़ इन कोलकाता, जनरली कोलकाता में है वो, तो वो कोलकाता में रहता है तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा एयरटेल का, लेकिन जब वो आप गाँव में चले जाओगे तो एयरटेल का ही नेटवर्क आता है सिर्फ, ये भी एक दुविधा है, गाँव में जियो का नेटवर्क नहीं आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। खैर अब चूंकि नेटवर्क की बात हो रही है तो आ जाते हैं वोडाफोन के ऊपर, ये 1992 में भेजा गया था और टेक्स्ट था मैरी क्रिसमस, व्हाट वाज दैट, मैरी क्रिसमस। ऑर्बिट 901 हैंडसेट भी अगर पूछ दिया और तुम्हें अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है कि मेरे को हैंडसेट भी पता है कि किस हैंडसेट में से भेजा गया था, तो याद रख लेना। मैं मेरा भी एयरटेल है, गांव में, अरे तुम्हारा गांव जियो वाला है, क्या बात है, नहीं बेटा और भी गांव होता है जो बहुत रिमोट एरिया में है वहाँ पर जियो का नेटवर्क नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता है, मतलब ऐसा कि एक तल्ला पे नहीं आएगा तो तल्ला पे जाओगे तो आ जाएगा, ऐसा कंडीशन है। 2016 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, अब ऑल्दो इन्होंने शादी कर ली पाकिस्तानी से, बट स्टिल अब इनके डिवोर्स के चर्चे जो हैं कुछ वक्त पहले तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बने हुए थे, जवाब दीजिएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैम सानिया मिर्जा, अरे तुम लोग मेरे हिंट को ज़बरदस्त तरीके से पकड़ लेते हो भैया। नंबर वन वुमेन डबल रैंकिंग में इनको नंबर वन का खिताब मौजूद है, और इन्हें प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा क्या दिया गया आपका, सानिया मिर्जा, राइट, बड़ी ही फेमस हुई थी भैया, टेनिस प्लेयर, आगे देखिएगा।
एटीएम का मतलब क्या होता है? एनी टाइम मनी, ये मस्ता एनी टाइम मनी। कौन है ऐसा एटीएम जहां से एनी टाइम मनी आता हो? जल्दी बताओ। एनी टाइम मनी, इंसान हाथ जोड़ ले बोले बस अब इंडिपेंडेंट नहीं बनना, अब नहीं, अब पैसे नहीं कमाने हमें, अब शादी कर लो। जल्दी बताओ एटीएम जो है इसके बारे में फटाफट तरीके से। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्कूल में पढ़ा था हमने इसका फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यस यस यस। अब इससे मुझे सवाल आप लोगों से पूछ देता है कि बताओ व्हाट इज प्लास्टिक मनी? तो सिंपल है, कार्ड है आपका, जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, क्या है? प्लास्टिक मनी है। अब थोड़ा डिफाइन करेंगे मैम, इसमें प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स की वजह से तो ना सब प्लास्टिक मनी, ठीक है भैया वो प्लास्टिक का कार्ड है, लेकिन देता क्या है? पैसा देता है वो, है ना, उसी को तो तुम डालते हो जब तुम एटीएम में, तो वही तुम्हारा पैसा निकाल के देता है। तो अभी जो सवाल पूछा गया था कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, दैट्स सेम व्हाट, वही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। अगला, भोज के किस वंश, साहित्य के एक प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज जो थे ये किस वंश से थे? हाँ डन, बताइएगा राजा भोज किस वंश से थे? राजा भोज के बारे में आपने कई कहानियां पढ़ी हैं, कई किस्से पढ़े हैं, है ना मैम? परमाराज, आई शाबाश परमाराज। और इनका जो रूल था वो मैं कहाँ बोलूँगी कि मैम सेंट्रल इंडिया में था। कहाँ पे था? सेंट्रल इंडिया, जो मालवा वाला तुम्हारा रीजन था ना, मालवा का जो क्षेत्र था आपका, तो ये मालवा के क्षेत्र पे तुम्हारा ये सिचुएटेड। नेक्स्ट वन, गुरुदेव जो है, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? किसने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव? गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी थी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? नहीं, यहां पे मैं एग्जांपल नहीं दूंगी। अरे क्या गलत चीज़ हो गया ना, मैंने कितनी सारी मैंने बातें बोल दी पता है तुम लोग को, मैंने कितना कुछ इतनी देर में समझा दिया मैंने। अभी आवाज़ जा रही है सभी को? ठीक है, सब इसका जवाब रावणा रावणा क्यों दे रहे हैं? सबसे पहला, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ श्रीलंकन किंगडम का पहला कैपिटल क्या था? अनुराधापुरम। क्या था मैम?
सबसे पहला कैपिटल वॉज अनुराधा पुरम। पांडु का भैया जो बोलते हैं, पांडु का भाया, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन साइज थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, 377 BC के अराउंड उन राजा का रूल था इसमें, श्रीलंकन और जो सनहलीज पीपल थे। पद्मावती तुम लोगों ने मूवी देखी है, सिन्हल के मोती लाने जा रहे हैं, सुना था वो डायलॉग तुमने? पद्मावत मूवी तुम्हें बहुत बाद में जाके, पद्मावत मूवी थी वो ना? नहीं, सॉरी, इट वॉज बाजीराव मस्तानी, नॉट पद्मावत मूवी, इट वॉज बाजीराव, अरे यार वो, हाँ बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी तुम्हें बहुत लेटेस्ट चीज में क्या एहसास होता है कि बाजीराव मस्तानी वॉज नथिंग एल्स बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड नथिंग एल्स इट वॉज, इट वॉजेंट अबाउट लव। कोर्ट में आ जाते तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस बन जाता। खैर ध्यान देना, कटार से शादी हो गई हमारी, तुम आ गए तुमसे घर बर्बाद करने के लिए, कटार से शादी हो गई, कटार से गला काट लो अपनी, तुम आ गए उसका घर बर्बाद करने के लिए कि हमारी कटार से शादी हो गई है, हम तो ज़बरदस्ती आके रहेंगे ही रहेंगे, तुम्हें पता उसकी शादी हो रखी है पहले के। आज हमारी महिलाएं सच में सशक्त है, आज तो मतलब मार मार के उस आदमी का भरता बना दे, है ना, कि तुम कटार से शादी करके आए, उसको कटार देख के आए, तुम्हारे कटार सीने में ना उतार दे तुम्हारे हम। तो तुम्हें याद है वो सिन्हल के मोती बोलते कि सिन्हल के मोती लाने गए, यस कहाँ, यही श्रीलंका, यही सिन्हलीज जो हैं और जो श्रीलंकन जो हैं इनके द्वारा आपका बसाया गया। अब तुम कहते हो, सवाल उठाते हो कि मैम रामायण था कि नहीं था, महाभारत था कि नहीं था, उसके साक्ष्य जो है वो देते देते हिस्टोरिक प्लेसेस चीख चीख के तुम्हें साक्ष्य दे रहा है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि 2022 में, मैम धीरे ठीक है मेरा बच्चा, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो था ये आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था, जल्दी से बताना। गेम को होस्ट करने की बात होती है कि किसने होस्ट किया था, है ना, तो आपके इंग्लैंड में किया गया था, जैसे मैंने बोला थर्ड टाइम इंग्लैंड ने होस्ट किया था, लंदन में 1934 और मैनचेस्टर में 2002 में। तो ये था इसके पीछे का, डेट्स लिखने के पीछे का रीज़न। अगर कहीं पे प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, मतलब वहाँ पे तुम समझ लो कि कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, मैंने क्या बोला, हमारे यहाँ नहीं नहीं ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, कॉम्पिटिटर्स जहाँ पे नहीं है, मतलब मार्केट में तुम्हारा ही आधिपत्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्थापित है। जनरली आप किसी गांव में जाते हो, किसी शहर में, आप क्या बोलते हो कि मैम जो भी सामान मिलेगा इसी सेम दुकान पे मिलेगा, इस दुकान को छोड़ के तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें नहीं मिलने वाला है, कहीं भी तुम चले जाओ, होता है ना ऐसा बहुत सारी जगहों पे। बस किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको आप मोनोपोली बोलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है बेटा, क्लास 11th के इकोनॉमिक क्लास में आपका दिया हुआ होगा, जब आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक चला करती थी। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, 11th 12th में। ओके तो अभी ध्यान दो यहाँ पर, समझो बातों को। प्रॉफिट कंपटीशन क्या होता है, वहाँ पे हर प्रकार के फॉर्म जो है ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जब कस्टमर के पास एक ऑप्शन हो रहा होता है कि वो चूज़ कर सकता है। इस प्रकार के मार्केट में क्या घुसना आसान होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। क्या परफेक्ट मार्केट में एंटर करना आसान होता है और एग्जिट करना मुश्किल होता है, या फिर एग्जिट करना मुश्किल होता है एंटर करना आसान होता है, वाइस वर्सा बताइएगा, क्या एंटर करना इसमें, सिंपल बताओ क्या एंटर करना आसान होता है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। अगर एंटर आसान करना तो एग्जिट हो जाएगा जो मुश्किल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पोलोगामी क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा ऑप्शन हो रहा है, 1-2 तुम्हारा ऑप्शन हो जा रहा है, 3-4 ऑप्शन हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं, है ना। अभी तुम धीरे धीरे देखोगे, हो सकता है कुछ साल में मैम हमारे अंबानी जो हैं इन्हीं का मोनोपोली हो जाएगा चारों तरफ, तुम्हें इनके अलावा और कोई ब्रांड शायद दिखेंगे नहीं, है ना। NTPC के लिए है मैम क्लास, हाँ लगा हुआ बाहर पोस्टर, एंट्री इज डिफिकल्ट। अगला उस महल का क्या नाम है, बेसिकली कैस्टल का क्या नाम है जो बिल्ड किया गया था इन ऑनर ऑफ वर्ल्ड रिनोन्ड कंपोजर रिचर्ड वेंगर।
बताओ। जल्दी से बहुत कम लोग से जवाब इसका पता है। और ये कहाँ पे तुम्हारी? जर्मनी में। एक गांव के दूर टीले पे पहाड़ के उस पार मेरा घर। अगला, फेमस सांची स्तूपा का निर्माण किसने कराया था? देखो, सबसे पहली बार जब मैं बोलती हूँ स्तूपा तो तुम लोग क्या बोलते हो कि मैम ये बुद्ध, यानी बुद्धिज्म का मॉन्यूमेंट है, यानी बुद्धिज्म स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर जिक्र किसका आता है? वहाँ पे तुम्हारा जिक्र आता है किसका? स्तूपा का। दूसरी चीज़, जब मैं बात करती हूँ द्रविड़न स्टाइल के मंदिर की तो तुम लोग क्या बोलते हो कि मैम ये साउथ का मंदिर का स्टाइल है। ठीक है, एंट्री वगैरह का और मंदिर के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। जब मैं नॉर्थ इंडियन बोलती हूँ मैं नागरा बोलती हूँ। उसी तरीके से सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोका ने कराया। आपके SSC बुक के मुताबिक जो आपको लिख के आना है, जब तक तुम्हारी किताबें चेंज ना हो जाए तब तक आप लोगों को तो यही लिख के आना है कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया था। ऑल्दो कलिंगा वॉर के बहुत साल बाद अपनाया कि उससे पहले अपनाया, जब तक अभी टेक्स्ट चेंज नहीं होगा तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रोजेक्ट लून जो है, ये लून हाई हीलियम भरे आपके एक इंटरनेट एक्सेस है रूरल रिमोट एरियाज़ में, हाई अल्टीट्यूड हीलियम फिल्ड बैलेंस। बताइएगा किसके द्वारा ये इंटरनेट एक्सेस जो है ये दिया जा रहा है, फटाफट तरीके से। मतलब LTE के साथ मिलके 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक क्या बोला गया है? बोला गया है तुमको क्या प्रोवाइड करने के बारे में? अरे नेटवर्क। किसके द्वारा दिया जा रहा है ये एक्सेस? ये दिया जा रहा है गाँव गाँव में गूगल के द्वारा दिया जा रहा है। LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन सर्विस। एक्सपेंड करेंगे प्लेसेस में जहाँ जहाँ पे आपका नेटवर्क जो है वो सही नहीं आता है। वायरलेस नेटवर्क रहेगा 4G। आइए, इसका जवाब ऐसा कोई नहीं हो जो ना दे पाए। इसके साथ मुझे बताओ कि नागालैंड जो है वो किस साल में फॉर्म हुआ था? ये हाथ कैसे चढ़ गया? जल्दी से मैम, कोहिमा और 1963। यस, 1 दिसंबर 1963 को ये फॉर्म होता है। क्या बोला? 1 दिसंबर 1963 को ये फॉर्म होता है। कोहिमा क्या है मैम? कोहिमा इसका राजधानी है। ठीक है, दीमापुर इसकी लार्जेस्ट सिटी है। दीमापुर क्या है? इसकी लार्जेस्ट सिटी है। ध्यान रखना इसके बारे में। कोई डाउट, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ फटाफट तरीके से। अगर कोई तुमसे नेशनल पार्क पूछ दिया तो इसको ऐसे इन टंकी, अब इसका प्रोनंसिएशन अलग है, इन टंकी बोल सकते हो, लेकिन मैंने याद करने के लिए इन टंकी मैंने इसको ऐसे याद रखा, इन टंकी। इन टंकी नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर है। इन टंकी नेशनल पार्क जो है वो आपका यहाँ पे मौजूद है। ये क्या है? ये एक शहर है, टाउन है। कहाँ पे? नागालैंड में ही। और तेजपुर तो एक बड़ी ही फेमस जगह है। ये कहाँ पे है? आसाम में है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। स्वराज पार्टी किसने फॉर्म किया था?
तुम्हें याद है स्वराज पार्टी को बंगाल इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट मिले थे? बंगाल इलेक्शन में इसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। दूसरी चीज, गया अधिवेशन कब हुआ था जल्दी बताओ, गया अधिवेशन कब हुआ था? जस्ट आफ्टर द गया कॉन्फ्रेंस आपका इसको फॉर्म हुआ था। आप दो तीन चीज़ें पूछ ली जाती, गया कॉन्फ्रेंस के बाद फॉर्म हुआ, किस इंसिडेंट का फल था स्वराज पार्टी, किस इंसिडेंट की वजह से स्वराज पार्टी जो है ये आपकी फॉर्म हुई थी, तो इस तरीके के सवाल जो है आप लोगों से बन जाते हैं। 1923 में सबसे ज़्यादा सीट्स इन लोगों ने अक्वायर करी थी बंगाल लेजिस्लेटिव में जो इलेक्शंस हुआ था ना उस दौरान पर, ये ध्यान रखना, ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, मैम दिसंबर 1922 में हुआ था। चीज़ें समझ में आ रही हैं सभी को क्लियर तरीके से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनारस विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? जब स्टैब्लिश किया गया 35,000 स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ उस दौरान पर, ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ऑल दो इसमें थे तो बहुत सारे लोग थे, एनी बेसेंट वगैरह सबका हाथ था, लेकिन कंप्लीट तरीके से जो सो ब्रेन चाइल्ड आइडिया एंड एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि कुलपति कौन थे सबसे पहले, कुलपति कह लो, डीन बुला लो, राइट, कौन रहे थे इसके सबसे पहले? डीन सुंदरलाल सबसे पहले कौन रहे थे मैम? सुंदर लाल, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी ही जो है इन्होंने हिंदू महासभा की स्टैब्लिशमेंट करी थी, किसकी? हिंदू महासभा की। इन्होंने नारा दिया था सत्यमेव जयते का, सत्य की हमेशा जीत होती है, तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा ही आपका दिया गया था। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। ठीक है ठीक है बेटा, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो तुमको पता चलेगा तुम निकल जाओगे यहाँ से। चलिए आगे देखिएगा, आईसीटी जो है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है यार, सीधी सी बात है बताओ, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैम जितना भी डिजिटल इंडिया का रूप है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड कम अंडर दिस। अगला सवाल ध्यान देना, विश्व कप के क्रिकेट में 4 शतक बनाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर कौन हुआ करते थे? सबसे पहले क्रिकेटर कौन हुआ करते थे? जल्दी से, 2015, इससे ज्यादा हिंट, कुमार सांगकारा, वेरी वेरी गुड। अगला ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए कौन सी तकनीक को विकसित किया गया था? जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान पर आपका क्या विकसित किया गया था जिसका काम था ट्रैक करना एनिमी के सबमराइन को? आज तक आप लोग सोनार, सोनार वाला, वो वाला बंगाली वाला सोनार नहीं, सोनार, राइट, सोनार बांग्ला वाला नहीं, सोनार, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका ही काम था। वर्ल्ड वॉर सेकंड ने कितने परिवार तबाह कर दिए? इनमें से कौन सा एल्कलाइन नहीं होता है? जवाब दीजिएगा, एसिडिक या एल्कलाइन? के अच्छा, तो तुम्हें करो स्केल पूछ लिया तुमसे कि बताओ एसिडिक या एल्कलाइन अगर हम बात करते हैं तो ये कितने स्केल से कितने पे बात हो रही होती है, किस स्केल से लेके किस स्केल तक आपकी बात चल रही होती है? हमने क्या बोला मैम? सल्फर, है ना,
समझ में आ रही है बातें यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा फाइव ईयर प्लान जो आपका लाया गया था 2012-2017 में जो लाया गया था, ये कितना नंबर का प्लान था बताइए? फाइव ईयर प्लान, हर 5 साल पे हमने फोकस किया अपने देश की ग्रोथ के ऊपर। मैम 12वां प्लान था ये। यस यस यस। प्लानिंग कमीशन जो आपकी हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन जो हुआ करती थी 2015 में नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। क्या हुआ 2015 में नीति आयोग ने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हमने जीडीपी उस टाइम पे जो टोटल हमने जो ग्रोथ अचीव करी थी इस 12वें दौरान पर, वो अराउंड 9% तक का जीडीपी जो है हमने इस दौरान पे अचीव किया था। समझ में आई बात है? यस मैम, यस मैम। चलिए, यप, दैट वाज द लास्ट ईयर। कौन सा एलिमेंट जो है ये हार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है? हिंदी तो एकदम साफ साफ बता देता है कि हार्ट से जुड़ा हुआ है। एन्यूरिज्म ठीक है, कार्डियोमायोपैथी ठीक है, नाम में ही आ जा रहा है मतलब हार्ट के बारे में। डायपिथीरिया जो है ये कहाँ होता है? ये थ्रोट में होता है, गले में होता है। आप देखते हो कई बार आपको खांसी हो रही होती है, कफ जमा हो रहा था, म्यूकस जमा हो रहा होता है ना, ये जनरली क्या किस कहाँ पे होती है? आपको गले में होती है, खराश हो जाती है, कफ हो रहा होता है, जब जब को जुकाम लग जाती है उस दौरान पर। ईरो जो है, ईरो किस देश की करेंसी है? वेरी वेरी गुड, शाबाश, बताइएगा। इरो, मैम इरो है यूरोपियन यूनियन। यस, इरो जोन, जिसमें कि आपकी कितनी कंट्रीज जो है जिसके यहां ये चल रहा है, ये मुद्राएं जो है कितनी कंट्रियों में चलेगा? इरो जोन में कितनी कंट्रियां हो जाएंगी? इटली से लेके लाटविया से लेके आयरलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया, मैं लिस्ट खत्म ही नहीं होनी आपकी, 17 कंट्रीज। आगे बढ़ जाते हैं। गन पाउडर जो है ये जनरली क्या कंटेन कर रहा होता है? इससे आसान तो सवाल बन ही नहीं सकता है तुम्हारा। गन पाउडर जो है ये क्या कंटेन कर रहा होता है? जल्दी से पोटेशियम नाइट्रेट। एक तो इसे लिखा नहीं रहा है, चारकोल, छोड़ो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। क्या बोला? सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो होता है आपका गन पाउडर मेनली कंटेन कर रहा होता है। पहले इसी गन पाउडर को पहले के टाइम पीरियड पर लोग ब्लैक पाउडर बुलाते थे। क्या बुलाते थे पहले इसको? ब्लैक पाउडर बुलाते थे इसको, ध्यान रखना। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमें क्या दिखाई दी सिंधु घाटी सभ्यता में, बताइएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए क्या थी? मेसोपोटामिया से लेके चाइना ले लो, इजिप्ट का इतिहास तुम उठा के देख लो, उनका जो था उसमें सबसे बड़ा अर्बन जो सेटलमेंट था वो हमारे यहाँ सेटलमेंट था, जो शहरी जो हमारे यहाँ सेटलमेंट था वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सेटलमेंट था।
किसके बारे में बात करा, हमारे लिए सबसे यूनिक क्या था पता है, कि बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक। हम उस टाइम पर इतने डेवलप थे उस टाइम पे। अच्छा, हड़प्पा आज के दौरान पे कहाँ पर है? हड़प्पा कहाँ पर है बताओ, हड़प्पा जो है आज के दौरान पे कहाँ पर है? पहले हम लोग ज्यादा सिविलाइज थे मुझे लगता है आज से ज्यादा। मैम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? हड़प्पा हमारी सबसे बड़ी सभ्यता में हम आ जाते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर था, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपकी आबादी थी? प्रेजेंट डे के बारे में पूछ रही हूँ कि मैम प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर है आपका, तो वो भी आपका मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा हो गया, चंचराव था वो पाकिस्तान में, कालीबंगा तो राजस्थान में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जितनी भी जगहें पाई गई, यानी कि सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया पे, यस। अच्छा, क्या आ गया, एनजीटी का मतलब क्या होता है बताइएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस कहाँ जाते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए केसेस कहाँ जाते हैं, जल्दी से। एनवायरमेंट से जुड़े हुए केसेस कहाँ जाएंगे, पर्यावरण से जुड़े हुए केसेस जाते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाते हैं। 2010 में इसका क्या किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। 2010 में इसका क्या किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। आदर्श गोयल साहब चेयरमैन है ना, ओके। आज के सेशन में कोई डाउट किसी को भी, शुक्रिया। चलिए जल्दी से कर बताइएगा। तुम्हें नाम ऐसा सा लगता है ना, बंगाली तांत्रिक। ओके, कोई डाउट किसी को आज के सेशन में कहीं पे भी? नो मैम, ऑल क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, दैट्स ग्रेट। ओके, चलिए सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अब अगले सेशन में। बैक टू बैक शाम को आप लोगों के सेशंस रहते हैं, सो 3:30 बजे मास्टर क्लास पे और 4 बजे आप सब लेंगे यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा बैचेस जो हैं, दिल्ली पुलिस से मेरा बैच आ चुका है आप लोगों के लिए, आपको कूपन कोड क्या यूज़ करना है फॉर दैट, अगर जिनको बैचेस परचेस करने हैं उनको कूपन कोड, क्रैश कोर्स है याद रखिएगा, आपको कूपन कोड वहाँ पे यूज़ करना है दिव्या का बैचेस को परचेस करने के लिए, चाहे आप कोई भी बैच परचेस करने जा रहे हो, एसएससी का हो गया, एसएससी का कोई भी बैच हो गया, सुपर पैक हो गया, महापैक हो गया, या किसी और सेगमेंट का अगर हम बैच देख लें तो आप दिव्या कूपन कोड यूज़ करोगे। और जब आप टेस्ट बुक का पास ले रहे हो, टेस्ट बुक का पास मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहता है, हैव टू यूज़ दिव्या पास, बेनिफिशियल रहता है कि आप उसमें टेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा आप दे पाते हो, पता चल पाता है कि हाँ हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आपको एक मॉक टेस्ट के साथ प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। चलिए, हाँ गुड गुड गुड, 9% गुड। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, थैंक यू गाइज़।